लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से टोल रोड प्रारंभ, मतलब यहाँ से 5 से 6 पिलर जो है, 7 पिलर जो है आपका इस पर स्लैब रखना बाकी है। बीच में आपका सिर्फ ज्वाइंट का काम जो है वो आपका नहीं हुआ है, आप लोग को दिखा रहे हैं यहाँ रेलिंग वगैरह नहीं बना। और इसके आगे हम एक पिलर जो है यहाँ पर आपका ये बचा हुआ है, ये पटना घाट के साथ मलसलामी क्षेत्र एरिया में गिरते हुए आप लोग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग होने वाला है पटना का जेपी सेतु जो फेज 4 का काम चल रहा है उस काम को आज आप लोगों के सामने अपडेट लेकर आए हैं। तो ये देखिए ये फेज 4 जेपी सेतु जो है दोस्तों, ये फेज 4 का यहाँ पर आपका स्लोप गिर रहा है, ये देख सकते हैं इसी जगह पर आपका स्लोप गिर रहा है दीदारगंज के साइड। और इधर आप चले जाइएगा ये साइड, तो ये साइड आपको बख्तियारपुर के लिए चले जाइएगा। और यहाँ से 200 मीटर दूर आप कच्ची दरगाह बिद्दूपुर जो 6 लेन है वहां आप उसको पकड़ सकते हैं। और इधर चले जाइएगा तो अशोक राजपथ, पटना सिटी आप चले जाइएगा अशोक राजपथ आप यहां से, लेकिन हम यहां से आप लोगों को लेकर चलेंगे जेपी सेतु जो पुल है वहां पर फेज 4 में कितना काम जो हुआ है वो काम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि इधर साइड तो आपका रोड जो है पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो चुका है। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका एक बोर्ड में लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ से टोल रोड प्रारंभ, मतलब यहाँ से टोल रोड स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए कि रोड जो है स्लोप जो गिरा है वो आपका गिर चुका है, लेकिन यहाँ पर देखिए स्ट्रीट लाइट वगैरह जो है वो पूरी तरह से लगकर कंप्लीट हो चुका है। और सबसे खास बात है दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए सोलर पैनल भी लगा दिया गया है यहाँ पर ये इतना जगह जो देख रहे हैं ये सोलर पैनल लगाया है। और इस तरह से यहाँ पर जो पूरी तरह से काम जो है आपका कंप्लीट देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि यहाँ से बताए हैं कि 200 मीटर में आपका कच्ची दरगाह बिद्दूपुर 6 लाइन है, यह देख सकते हैं। और नीचे जो है अभी गंगा जी जो है बहुत सारे जो है लोग नहाने के लिए आए हैं क्योंकि आज कुछ फेस्टिवल है वगैरह, तो इस तरह से यहाँ पर जो है देख सकते हैं। और इधर जो है आपका ये जेपी सेतु हो गया दोस्तों फेज 4 का, तो चलिए आगे भी आप लोगों को लेकर चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जेपी सेतु जो पटना मेरीन ड्राइव फेज 4 का जो काम चल रहा है ये लास्ट काम है दोस्तों। और ये दरअसल आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये बहुत जल्द बनकर आप लोगों के सामने ये तैयार हो जाएगा। और दीदारगंज से 23 किलोमीटर के आपका सीधे दिग्गा पहुंच जाइएगा 20 से 25 मिनट में और आपका जे पटना अशोक राजपथ का जाम से मुक्त सारे लोग हो जाएंगे। ये जेपी गंगा सेतु का फेज 4 का लास्ट अपडेट है, लास्ट काम चल रहा है दोस्तों, जो आपका कुछ पिलर पे स्लैब वगैरह ये सब रखाने का काम चल रहा है। तो चलिए आगे आप लोगों को लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कितना कुछ पिलर जो है वो बचा हुआ है। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ तक जो है आपका रोड जो है पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो चुका है देखिए, और यहाँ से है जो बंद कर दिया गया है। आगे जो है वो पिलर का काम चल रहा है, तो पिलर के ऊपर यहाँ पर आगे स्लैब रखा हुआ है, लेकिन यहाँ आगे देख सकते हैं दोस्तों कि कुछ पिलर जो है आपका बहुत कम जो पिलर है 5 से 6 पिलर वो बचा हुआ है। तो इस पर जब स्लैब रखा जाएगा और आगे में कंगन घाट के पास भी कुछ पिलर पर स्लैब रखाना है, तो यहाँ पर कुछ स्लैब जो रखा जाएगा तो यहाँ से पूरी तरह से वो ज्वाइंट हो जाएगा दोस्तों। और इधर देख सकते हैं कि गंगा का पानी बहुत ही काफ़ी कम हो चुका है और लोग आज कार्तिक पूर्णिमा है, गंगा स्नान है, तो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि नहाने के लिए गंगा जी में आए हुए हैं। और बहुत सारे बच्चे जो हैं खेल कूद भी मतलब इस पानी में कर रहे हैं। और इधर जो है आप देख सकते हैं कि पुल जो है यहाँ पर तक बना हुआ है, कम्प्लीट है, लेकिन आगे जो है आपका कुछ पिलर पे स्लैब रखना बाकी है। तो इस तरह का अपडेट आप लोगों को हम दीदारगंज के साइड से दे रहे हैं, आप लोगों को देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पटना जेपी सेतु जो दीदारगंज के साइड है, दीदारगंज साइड पर यहाँ तक का ब्लॉक हो चुका है और यहाँ से जो है 5 से 6 पिलर जो है, 7 पिलर जो है आपका इस पर स्लैब रखना बाकी है, उसके बाद जो है ये पुल जो है पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगा दोस्तों। और कंगन घाट के पास से यानी कि महावीर घाट से पीछे कंगन घाट और कंगन घाट से पीछे बुंदलटोली घाट जो है, दमराई घाट के पास भी कुछ काम जो है स्लैब रखना बाकी है। तो हम आप लोगों को लेकर चलते हैं वो साइड का भी पिलर पे कुछ स्लैब जो रखना बाकी है वो भी आप लोगों को इस वीडियो में दिखाते हैं। तो चलिए हम पहुंचते हैं वहां पर। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को अभी हम दीदारगंज के साइड जेपी सेतु फेज 4 का अपडेट दिखा रहे थे और अभी हम आ चुके हैं दमराई घाट के पास, जो ये रास्ता जो है नीचे वाला कंगन घाट के तरफ चला जाता है, गाय घाट भी चली जाती है। और यहाँ पर बगल में देख रहे होंगे यही जेपी सेतु फेज 4 का काम जो है चल रहा है। तो चलिए आप लोगों को पीछे वाले कैमरे से हम दिखाते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है पूरी तरह से दमराई घाट के पास जो है कंस्ट्रक्शन का एरिया है, पूरी तरह से जो स्लैब वगैरह रखाया जाता है वो यहाँ पर बनने का काम चलता है, ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से। और यहाँ पर स्लैब वगैरह बनने के बाद ट्रक के द्वारा यहाँ से चलकर पूरी नीचे जो पानी का लेवल जा चुका है, तो नीचे से ही आपका आगे जो है वो आपको जहाँ पर पिलर के ऊपर स्लैब नहीं रखाया है तो वहाँ तक आप लोगों का ये नीचे के द्वारा जाता है और क्रेन के द्वारा ये आपका उस पर रखाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ भी एक स्लोप बनता है कि नहीं बनता है कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर जो है आपका जेपी सेतु जो फेज 4 का पटना मरीन ड्राइव का बगल में दो पिलर नजर आ रहे होंगे, तो यहाँ पर देखिए एक पिलर जो है बगल में आपका बनाया जा रहा है। तो जैसा आप लोगों को बता देना चाहते हैं, या तो यहाँ पर जो बस ले मतलब कि बस उस पकड़ने के लिए साइड में ले बनाया जाएगा, जैसे आपका खचकल्ला घाट के पास है तो और गाय घाट के पास है, तो उस तरह से ही हो सके तो यहाँ पर भी आप लोगों का एक बनाया जाएगा। तरह से कंप्लीट है लेकिन ऊपर में देखिए रेलिंग वगैरह ये सब नहीं बना है दोस्तों। यहाँ देखिए कि रेलिंग वगैरह बनने का काम जो है यहाँ पर आप लोगों को चलेगा, और ये नीचे से रास्ते से द्वारा ट्रक वगैरह बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है ऊपर जाती है और अपना काम जो है वो करती है। और नीचे देख सकते हैं कि नीचे जो पानी का लेवल बहुत ही कम हो चुका है, पिलर के उस तरफ पानी जो गंगा जी का है वो जा चुकी है। तो चलिए आगे भी आप लोगों को लेकर चलते हैं, कोई पिलर बचा हुआ है कि नहीं। जैसा कि यहाँ से दिखा रहे हैं कि दमराई घाट से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर बढ़ने के क्रम में देखिए कि पूरी तरह से आपका पिलर कैप और स्लैब सब कुछ रख कर कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। और जो बीच में ज्वाइंट का काम है वो कहीं कहीं ज्वाइंट जो है वो नहीं हुआ है, तो ये सब काम जो है वो अभी होगा, लेकिन अभी पूरी तरह से जब स्लैब रखा जाएगा पिलर के ऊपर तब आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि पटना जेपी सेतु फेज 4 जब पूरी तरह से 2 महीने के अंदर फरवरी तक में ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो दीदारगंज से दीघा जाने के लिए मात्र आपका 20 से 25 मिनट का समय लग सकता है दोस्तों। और इसमें जो आपका स्लैब वगैरह जो है रैंप जो है 3-4 जगह 5 जगह आपको गिरते हुए नजर आएगा, कंगन घाट, पटना घाट, गाय घाट, कृष्णा घाट। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे, आप लोगों को बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो पूरी तरह से आपका स्लैब जो है वो रखकर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों रेलिंग, और यहाँ पर देखिए रेलिंग भी बनकर कंप्लीट है, बीच में आपका सिर्फ ज्वाइंट का काम जो है वो आपका नहीं हुआ है। यहाँ भी देखिए ज्वाइंट का काम जो है नहीं हुआ है, तो यहाँ पर साइड में भी देखिए कि आपका 2-3 पिलर जो है आपको दिया हुआ है, तो ये है आपका बस ले मतलब कि कोई भी बस वगैरह चाहे बाइक वगैरह है आप साइड में खड़ा करके सेल्फी वगैरह ये सब ले सकते हैं। तो इस तरह का यहाँ पर देखिए बनाया गया है, और आगे भी देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं लॉन्चिंग के द्वारा एक पिलर जो है दोस्तों यहाँ पर शेष बचा हुआ है। तो चलिए नज़दीक में लेकर आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जेपी सेतु के हम लोग पुल के नीचे जस्ट आ चुके हैं, और यहाँ पर देखिए रेलिंग वगैरह जो है वो आपका बनने का काम चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को दिखा रहे हैं, यहाँ रेलिंग वगैरह नहीं बना, और इसके आगे हम लोग बनते हैं तो देखिए बड़ा सा लॉन्चिंग के इसी के सहायता से जो है वो पिलर पर स्लैब वगैरह ये रखाता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ तक तो स्लैब रखा चुका है, और ये आपका पिलर नंबर 235 है, और इसके आगे देखते हैं तो दोस्तों देखिए एक पिलर जो है यहाँ पर आपका ये बचा हुआ है एक पिलर, और उसके बाद इस पिलर पर भी आपका मतलब कि स्लैब वगैरह रखाया गया। तो ये बड़े से क्रेन के द्वारा लॉन्चिंग के द्वारा इस पर जो है स्लैब जो आएगा और इस पर से रखाकर एक जो है इस पर रखाकर पूरी तरह से ये ज्वाइंट हो जाएगा। और दीदारगंज के साइड तो आप लोगों को दिखा दिए थे दोस्तों कि वहाँ पर भी 5-6-7 पिलर जो है वो आपको रखना है, तो पूरी तरह से ये जो काम जो है दोस्तों 10 से 15 दिन 20 दिन में हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका जेपी सेतु 2 महीने के अंदर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा दोस्तों, ये देख सकते हैं। और हम आ चुके हैं बालू के पास, और इधर देखिए देखिए दिखाते हैं दोस्तों, ये जो है यहाँ से जो आपको व्हाइट रेलिंग दिखाई दे रहा है यहाँ से जो है आपका पुल ऊपर में पूरी तरह से कंप्लीट है, और एक स्लोप जो है वो आपका ये देखिए ये स्लोप जो है आपका पटना घाट के साथ मलसलामी क्षेत्र एरिया में गिरते हुए आप लोगों को दिखने को मिलेगा यहाँ पर पूरी तरह से, ये देख सकते हैं। और यहाँ तक जो है आपका व्हाइट जो रेलिंग है वहाँ तक आपका रोड कम्प्लीट है, तो मात्र यहाँ से लेकर दीदारगंज तक का जो काम है वो आपका बस करना बाकी है दोस्तों, ये पूरी तरह से आप लोगों को दिखा देते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि दीदारगंज साइड के जो पटना मरीन ड्राइव फेज 4 का काम चल रहा है, दीदारगंज साइड मात्र 6 से 7 पिलर बचा हुआ है, और ये साइड जो वहाँ है कंगन घाट के साइड तो यहाँ पर एक पिलर जो है 234 नंबर पिलर जो है वो आपका सिर्फ बचा हुआ है, यानी कुल मिलाकर 8 पिलर जो है दोस्तों पटना मरीन ड्राइव फेज 4 का बचा हुआ है। तो ये 8 पिलर जो है दोस्तों लगभग आपका 20 से 25 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और फाइनली जो है आपका फरवरी तक में पूरी तरह से ये चालू होने की उम्मीद है दोस्तों। यही है पटना मरीन ड्राइव फेज 4 का
आपका अपडेट। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लोकेशन के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।